सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय पवार का ज्ञान, किसका नफा नुकसान। संदर्भ यह है कि भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण किरदार है शरद पवार। 1940 में जन्मे शरद पवार जीवन के 82 वसंत देख चुके हैं और अपनी राजनीतिक कुशलता के संदर्भ में हमेशा लोगों को हतप्रभ करते हुए आए हैं। वह शख्स है जिसने कभी इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस से बगावत की, जिसने सोनिया गांधी के संदर्भ में भी बगावत की और जिसके संदर्भ में अभी भी पता नहीं चलता है कब वो किसके साथ है और कब किसके खिलाफ है। ताजा मामला यह है कि संपूर्ण विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। एकजुटता की एक कोशिश है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ, लेकिन शरद पवार ने पिछले 8 दिन में ऐसे बयान दिए हैं जिससे इस एकजुटता की कोशिशों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। 3 मुद्दे कौन से? एक सावरकर के मुद्दे पर, दूसरा अडानी के मुद्दे पर और तीसरा प्रधानमंत्री की डिग्री के संदर्भ में। सावरकर को लेकर राहुल गांधी जितने भी मुखर थे, कुल मिलाकर शरद पवार ने बयान दे दिया। बेफिजूल की बात है, सावरकर के बलिदान के संदर्भ में सवाल उठाने की कोई जरूरत ही नहीं, उनका योगदान था। और आज के समय में यह सवाल उठाकर क्या हासिल कर लेगी कांग्रेस? दो टूक लहजे में शरद पवार ने कह दिया। दूसरा मुद्दा अडानी के संदर्भ में, अडानी खुल के गौतम अडानी के बचाव में आ गए। शरद पवार ने सीधे तौर पर कह दिया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कायगा बवाल, फिर जेपीसी की मांग करने की जरूरत क्या है? जेपीसी में बहुमत सत्तारूढ़ दल का रहना है, क्या निकल जाएगा? 15 सदस्य उनके होंगे, 7 विपक्ष होंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना दी है तो इसके बाद में किसी और मांग को करना बेफिजूल है। तीसरा मुद्दा, प्रधानमंत्री की डिग्री के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। हाईकोर्ट ने न केवल केजरीवाल की मांग को खारिज किया बल्कि साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू किए हुए हैं जिसमें बता रहे हैं हमारे पास ये डिग्री, हमारे पास ये डिग्री है। शरद पवार का कहना है कि डिग्री के चक्कर में क्यों पड़े? देश की जनता ने जिसे चुना वो देश का प्रधानमंत्री, अपना काम कर रहा है, जनता ने उसे दूसरी बार भी चुन लिया। इस समय मुद्दे बहुतेरे हैं, महंगाई को लेकर बात करो, बेरोजगारी को लेकर बात करो, किसानों की परेशानी को लेकर बात करो। ये डिग्री के संदर्भ में बवाल पैदा करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की जरूरत क्या है? अब सवाल यह है कि वस्तुतः विपक्ष मुद्दों से ध्यान भटका रहा है या पवार का यह बयान विपक्ष के लक्ष्य को भटकाने की कवायद है। इसी पर हम बात करेंगे कि पवार हासिल क्या कर रहे हैं, पवार के इन बयानों से विपक्षी एकता मजबूत हो रही है, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशों को बल मिल रहा है, या कुल मिलाकर विपक्षी एकता जो गुब्बारे को फुलाने की कोशिश कर रही है, पवार बारी बारी से पिंच हो रहे हैं और हवा निकाल दे रहे हैं। हमारे साथ दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और भारतीय राजनीति के मौजूदा घटनाक्रम पर कुछ दिलचस्प तथ्य जानने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है, जो शरद पवार करते आए हैं उसी को व्यक्त करता आज का विचार सूत्र। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। मतलब राजनीति एक खेल है, इसमें कोई स्थायी शत्रु नहीं होता और कोई स्थायी मित्र नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। विलियम क्ले, मशहूर अमेरिकी व्यवसायी, फूड कंपनी के अध्यक्ष जो रहे, उन्होंने ये बात कही थी। शरद पवार ने अपने जीवन काल में साबित किया है वो कब किसके दोस्त हो जाते हैं और कब किसके दुश्मन। उनके दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता, लेकिन इतना तय है पवार के हित हमेशा सुरक्षित रहे, पवार हमेशा सफलता के शिखर पर दिखे। और आज भी शरद पवार के संदर्भ में लोग मानते हैं कि भले ही वो 82 साल के हो गए पर आज भी कोई उनका मुकाबला कर पाए ऐसा दूसरा राजनेता नरेंद्र मोदी के अलावा दिखाई नहीं देता। तो इस चीजों को अपने ध्यान में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे से। हमारे साथ उमाशंकर यादव जी हैं, जिस एनसीपी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वह हमारे साथ हैं। आर के त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ, पवार के बयान जिनको परेशानी पैदा कर रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत उमाशंकर यादव जी से करेंगे और उन्हीं से जानेंगे। पवार पहले एनडीए का हिस्सा रहे, फिर यूपीए का हिस्सा रहे, पवार फिर कहीं और किसी का हिस्सा होने जा रहे हैं, उसकी बुनियाद रख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? थोड़ा यादव जी रोशनी देंगे अपने नेता के बयान के संदर्भ में, क्या क्या रहे हैं आपके नेता जी? देखिए ऐसा है, देश के महान नेता माननीय शरद पवार साहब
एक महान हस्ती है जी, और राजनीति के प्रोधा हैं, उनसे लोगों को सीखनी चाहिए। सदन में कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे जनता के बीच में कोई गलत संदेश जाए। माननीय शरद पवार साहब ने जो भी कहा है वो जनता के हित को लेकर कहा है, और हर चीज को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरा अपना जो मानना है जी, मुद्दे तमाम हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आज हमारी बहन बेटियों के सम्मान की मुद्दा है, मुद्दे तो तमाम है। कोई मुद्दा वीर सावरकर नहीं है, कोई मुद्दा अडानी नहीं है, कोई मुद्दा जो है आज जो जेपीसी है, जब कोर्ट ने, जब पवार साहब सही कह रहे हैं कि अगर सदन का कोई सदस्य जेपीसी की जांच करेगा तो लोग छोटे छोटे सवाल खड़े करेंगे, ऐसे में कोर्ट ने जो समिति बनाई है उसको मानना चाहिए। यह अपना मानना है। और देश के नेता माननीय शरद पवार साहब कोई ऐसी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं जिस पर लोग टीका टिप्पणी करें। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष हमारा मजबूत है, मजबूत रहेगा, विपक्ष में कहीं बिखराव नहीं आएगा। यादव जी, थोड़ा बीच में रुकना चाहूंगा। देश में कोई गौतम अडानी के पक्ष में नहीं बोल रहा। जिस भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है, उस भाजपा का नेता भी गौतम अडानी के संदर्भ में कोई दो चार शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी ने तो अपनी सत्ता तक गंवा दी, ऐसा उनका कहना है, अडानी के मुद्दे पर अपनी लड़ाई के चलते। 19 दल जेपीसी की मांग को लेकर आवाज बुलंद किए हुए हैं कि अडानी मामले के संदर्भ में जेपीसी होनी चाहिए। पर आपके आदरणीय जो नेता हैं, आपके शब्दों में जो देश के महान नेता हैं, वो अडानी के समर्थन में बड़े कूदकर बयान दिए हैं, खुलकर आए हैं। और आज नहीं आए हैं, उनकी एक पुरानी किताब आत्मकथा है 2015 में आई थी, उसके पन्ने भी आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके का प्रशस्ति गान शरद पवार ने गौतम अडानी के संदर्भ में किया हुआ था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, थोड़ा बताएं यादव जी। देखिए ऐसा है, माननीय शरद पवार जी का रिश्ता किसी से कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आपने एक चीज देखा होगा कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और बॉम्बे के ऑडिटोरियम का जो उद्घाटन होना था माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया था जी। वो भी भाजपा के ही थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था जी, कि हम लोगों को माननीय शरद पवार जी से सीख लेनी चाहिए जी। तो हमारे नेता को किसी से कहीं गुरेज नहीं है जी। हमारे नेता को नीति से विरोध है, नेता से कोई विरोध नहीं है। तो नेता से कोई विरोध नहीं है, नीति से विरोध है। मोदी जी शरद पवार की तारीफ करते हैं, शरद पवार मोदी जी की तारीफ करते हैं, तो विपक्ष के नेता क्या करें। किशोर तिवारी जी मेरे साथ में हैं। किशोर जी, उद्धव ठाकरे जी भी अडानी के संदर्भ में काफी मुखर रहते हैं, सावरकर के मुद्दे पर तो आपके साथ रहते हैं, इस कुशलता के संदर्भ में, इस राजनीतिक घटना के संदर्भ में कुछ रोशनी बताएंगे। क्या लगता है आपको, पवार के बयान विपक्षी एकता की जड़ों में खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, या मठा डाल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं किशोर जी? नहीं देखिए, सावरकर जी ने मुद्दे पर उन्होंने एक स्पष्ट स्टैंड लिया जी, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये अडानी पे उन्होंने बोला करके अडानी की बात खुल के आ गई है बाहर, लेकिन अडानी का मुद्दा 19 पार्टियों की जेपीसी की मांग और शिवसेना तो बहुत बहुत ही मुखर है कि जेपीसी की मांग हो, और मेरे ख्याल से एनसीपी पक्ष ने भी कहा है कि जेपीसी की मांग हो। अब बीजेपी को थोड़ी आशा की किरण लगी है, लेकिन हमने हमारा सब सेटल कर लिया है। सावरकर के मामले में भी शरद पवार जी ने ही राहुल जी को समझाया और वो मीटिंग भी हो गई। अब अडानी जी के बारे में उनके पर्सनल विचार है, लेकिन अडानी जी यह 24 के चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अडानी ये किरकिरी हो चुके हैं। अगर किशोर तिवारी जी एक बात बताइए, देश किसकी बात को गंभीरता से ले,
किशोर तिवारी जी की बात को गंभीरता से ले या शरद पवार की बात को गंभीरता से ले। भाई 82 साल के शरद पवार ये बोल रहे हैं अडानी कोई मुद्दा नहीं है, इन फालतू चीजों में समय खराब करने की जरूरत नहीं है। कहाँ मोदी जी के पीछे पड़े रहते हो, कहाँ अडानी के पीछे पड़े रहते हो। बात करो महंगाई पे, बात करो बेरोजगारी पे, बात करो किसानों की बदहाली पे। अगर अडानी मुद्दा होगा 2024 में किरकिरी होने वाली है। आप ही बताओ किसे गंभीरता से लें हम लोग, पवार साहब को या आपको? नहीं मेरे को नहीं, नहीं पवार साहब तो हमारे श्रद्धेय नेता है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, भारतीय के राजनीति के अंदर आप ही को 2G का लो या बोफोर्स का लो, अडानी ये मुद्दा किरकिरी मोदी जी की हो गई है जी। अडानी जी ने तो अपने जायदाद के 70% गमा दिया इनके लफड़े में, लेकिन अडानी जी को भाई बहुत फायदा पहुंचाया। अडानी जी को देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में ले आए, देश के अंदर LIC और SBI का पैसा दे दिया। अडानी जी ने देश के रेगुलेटर और देश के कानून का उल्लंघन किया, यह बात तो गांव तक पहुंच गई है। दूसरी एक बात थी जिस पर शरद पवार जी बोले कि मोदी जी की जो डिग्री है वो डिग्री फर्जी है। अब ये मामला भाई केजरीवाल जी ने उठाया और वो तो आपने बोला भी कि उनको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ना लोगों में चर्चा तो हो गई कि ये फर्जीवाड़ा भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, नीति की बात भी करते हैं। अरे ये सब तो ठीक है किशोर जी, आप तो ये बताओ पवार साहब ऐसा क्यों करते हैं, जिस अडानी को लेकर 19 दल विपक्ष के एक साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं, पवार साहब ने अपनी अलग धुंध भी बजाई है, बेकार है। जब डिग्री को लेकर माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है तो पवार साहब बोल रहे हैं फालतू का मामला है, देश का प्रधानमंत्री की डिग्री का कोई विषय है क्या? जनता ने चुना, काम कर रहा है, काम साबित कर रहा है। तो आपसे जानना ये कि पवार साहब ऐसा क्यों करते हैं किशोर जी, इसके विषय में बताइए ना, देश का महसूस कर, हम इस पर बात नहीं कर रहे, पवार साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तो ये समझना चाहते हैं। आप उनके निकट साथी रहे हैं, आपके सहयोगी दल हैं, आप तो समझ रहे होंगे क्यों पवार साहब ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा समझाइए ना हम लोगों को। पांडे जी बहुत शिद्दत से समझना चाह रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए कि आपके घर का आदमी, घर का मुखिया जैसी हैसियत वाला आदमी उनके समर्थन में आवाज क्यों बुलंद कर रहा है, क्या कारण है? देखो वो हमारे यहाँ 19 पार्टियां हैं, 20 पार्टियां हैं, अपनी अपनी मुद्दों पे राय रखते। हम इतना सावरकर को मानते हैं, राहुल जी बार बार वही बात करते, तो मैं और एक बात करूंगा, अभी उन्होंने उनकी व्यक्तिगत राय रख दी, उनकी जो पार्टी है NCP वो विपक्ष के साथ है, JPC के मांग पे भी साथ में है, तो कोई कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 के अंदर हम इंटैक्ट हैं। किशोर तिवारी जी ने तो कमाल की बात कह दी, भले ही पवार जी जो भी बोले हैं NCP JPC की मांग के साथ है, तो शरद पवार की हैसियत ऐसी हो गई अपनी पार्टी में प्रमुख होते हुए भी कि उनकी राय के कोई मायने नहीं है, पवार की राय अलग रहेगी पर NCP जो है JPC की मांग के साथ रहेगी, ऐसा शिवसेना के प्रवक्ता का कहना है। पूछ लेंगे हम जब वापस उमा शंकर यादव जी के पास आएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर के त्रिवेदी साहब हैं। त्रिवेदी साहब हम तो बड़े असमंजस में हैं, शरद पवार जैसा वरिष्ठ नेता आपके द्वारा उठाए हुए मुद्दों के संदर्भ में सामने वाली पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं क्या? देखिए शरद पवार जी की जो लोग राजनीति जानते हैं जी, आप 1991 से शरद पवार जी को देख लीजिए, चाहे वो नरसिम्हा राव जी के साथ रहे हो या जब भी वो दिल्ली आए हो, लेकिन आज की तारीख में शरद पवार से वरिष्ठ नेता कोई दूसरा नहीं है देश में जी। शरद पवार जी कांग्रेस में तो कोई ऐसा नेता है नहीं जो शरद पवार जी की बात काट सके। शरद पवार जी का एक चीज ये है कि अडानी जी उनके बहुत पुराने मित्र हैं, अगर आप लोगों को पता है जो हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति कवर करते रहे हैं जी, तो मोदी जी से पहले अडानी जी उनके मित्र हुआ करते थे। अब ये मित्रता कैसी है ये हम लोगों को तो पता नहीं है जी, लेकिन खास करके JPC के बारे में जो शरद पवार जी ने कहा है, तो टेक्निकली यहाँ श्रवण जी बैठे हुए हैं, वो तो हम लोगों से बहुत वरिष्ठ हैं, वो बताएंगे कि टेक्निकली जो है JPC का क्या हासिल हुआ है किन चीजों में जी। और अगर आप शरद पवार जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत तो है नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनती है और अगर वो जांच सुप्रीम कोर्ट की बनती क्या, सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बनाई हुई है त्रिवेदी साहब, इसके बावजूद भी 19 विपक्षी दल जिनका नेतृत्व अघोषित रूप से कांग्रेस कर रही थी
वो इस बात पर अड़े हुए थे कि जेपीसी होनी चाहिए, देश की संसद नहीं चली इस मुद्दे पर। तो आप ही बताइए, पवार सही या 19 विपक्षी दल सही? बात यह है कि शरद पवार जी ने जो कहा वो बड़ी एक टेक्निकली चीज है, उस टेक्निकली चीज को अगर आप समझ लेंगे तो ये बहस थोड़ा। अरे मुझे क्यों समझना है, ये 19 दल जो हैं, 19 दल के जो बड़े नेता हैं, तकरीबन 125-150-200 सांसद हैं, उनकी अकल नहीं है? यानी आप ये बता रहे हैं कि आपके राहुल गांधी जो अड़े हुए थे जेपीसी बनाओ, जयराम रमेश अभी भी बोल रहे हैं हम अभी भी जेपीसी चाहते हैं, इन सब में अकल की कमी है। जो समझ शरद पवार जी के पास है वो समझ और किसी नेता के पास नहीं, उन्होंने बता दिया तकनीकी पहलू। इसलिए अब उम्मीद करें कि विपक्ष जेपीसी की मांग को छोड़ देगा, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि शरद पवार ने बहुत सही बात कही है। मैंने ये नहीं कहा कि सही बात कही, मैंने आपको बताया कि शरद मोदी जी के पहले, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, मोदी जी के पहले शरद पवार जी जो है अडानी जी के मित्र हुआ करते थे और मित्र होंगे भी, क्योंकि राजनीति में और कारपोरेट की मित्रता तो जग जाएगी, ये तो कोई हर कोई जानता है यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जी। अब सवाल यह है कि शरद पवार जी ने जो बयान दिया है कि भाई इसमें जेपीसी के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बने तो ज्यादा कारगर होगी, तो इस विषय को शरद पवार जी तो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आप जैसा कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी जांच के लिए नहीं बनी, वो कमेटी रिपोर्ट लेने के लिए बनी है। शरद पवार जी का मतलब यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कोई एसआईटी गठित की जाए और वो एसआईटी ये देखे कि अडानी जी को जिस प्रकार से बैंकों ने लोन दिया है, जिस प्रकार से एलआईसी ने दिया है, जिस प्रकार पीएफ का पैसा गया है, एक ही व्यक्ति को सारे एयरपोर्ट जा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कोई स्पेशल कमेटी बने, स्पेशल कमेटी मीन्स जांच कमेटी बने, तो ये मसला जेपीसी से ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकता है। हो सकता है शरद पवार का आशय ये रहा हो, लेकिन अभी तक शरद पवार के बयान में किसी ने कोई रिएक्ट तो नहीं किया है मीडिया को। त्रिवेदी साहब, मैं थोड़ा उलझन में हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या शरद पवार के प्रवक्ता हैं, आप शरद पवार पे कटाक्ष कर रहे हैं या शरद पवार का समर्थन कर रहे हैं? एक तरफ आप बता रहे हैं कि वो आपको पता नहीं है, देखिए मोदी जी से पहले जो मित्रता रही है गौतम अडानी की वो पवार साहब से रही है, तो इसका तो आशय समझ में आता है भाई पुरानी मित्रता का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप हमें ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जेपी से ज्यादा कारगर चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई कमेटी बनाई जाए, उससे जांच हो, तो वो ज्यादा कारगर रही है। तो क्या मैं समझ नहीं पा रहा, और मैं नहीं समझ पा रहा तो मैं मानता हूं कि दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे, क्या वस्तु तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? सवाल बहुत स्पष्ट है त्रिवेदी साहब, आपसे उसका उत्तर मिले तो मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलूं। पवार जी का बयान के आप साथ हैं या पवार जी के बयान के आप खिलाफ हैं? पवार जी का बयान विपक्ष की मदद करने के लिए है या विपक्ष सामूहिक रूप से मोदी जी से या भाजपा सरकार से जो लड़ने की कोशिश कर रहा है उसके हवा निकालने के लिए है? पवार जी कर क्या रहे? देखिए पवार जी ने बहुत सही बात कही है, देखिए आपको, आपको अगर भेड़िए को पकड़ना है तो वो हल्ला करोगे तो भेड़िया तो भाग जाएगा जी। शरद पवार जी जो बात कह रहे हैं, मैं शरद पवार का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि शरद पवार जी एक अनुभवी नेता है, उन्होंने कितनी जेपीसी का हाथ से देखा है, और रही बात गौतम अडानी जी के मामले में, अगर शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में अगर एक आयोग जांच कमेटी गठित करने की मांग की है कि एक एसआईटी बनाई जाए, तो मुझे लगता है कि एसआईटी जेपीसी से बेहतर होगी। रह गई बात इस मसले की कि भाई इसमें विपक्ष क्या कह रहा है या शरद पवार हवा निकाल रहे हैं, ये बात तो पूरी तरीके से विपक्षी लोग ही फैला रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने या किसी ने उसमें कोई बयान तो नहीं दिया है, और इसमें वो क्या खतरा है? कमाल की बात कह रहे त्रिवेदी साहब, जयराम रमेश ने बाकायदा बयान दिया हुआ है कि पवार साहब क्या बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन हम 19 पार्टियां जेपीसी की मांग पर अड़ गए, और आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते यहां बैठे और आप बोल रहे हैं कि पवार जी सही बोल रहे हैं, तो हम माने जयराम रमेश में समझ की कमी है, बुद्धि की कमी है, जो अभी भी जेपीसी की मांग कर रहे हैं। इस नतीजे में पहुंचे, आपको कोई एतराज तो नहीं ना हमारे संदर्भ में? नहीं नहीं, आपके संदर्भ में कोई एतराज नहीं, जेपीसी की मांग करना भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का एक लक्ष्य है, और मतलब मोदी जी तो इस बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, यहां तक कि भाजपा भी जेपीसी के बारे में संसद का पिछले दिनों जो हस हुआ वो हम सबने अच्छी तरीके से देखा हुआ है। सवाल इस बात का है कि एक जांच को किस परिणत तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शरद पवार जी की राजनीति को तो सब जानते रहे ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, इस बात को तो यहाँ हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं स्वर्ण गर्ग जी,
वो तो बेहतर तरीके से इस बात को बता सकते हैं कि संत पवार जी की राजनीति कैसी रही है। रह गई बात हमारे हमारी हमारी टिप्पणी की, तो हम संत पवार जी के बारे में क्या टिप्पणी करें, आप बताइए। हम क्या बताएं, हम तो ये देख रहे हैं कि आप बार बार कह रहे हैं शरद पवार की राजनीति को आप जानते हैं जानते हैं जानते हैं। हम तो आपकी राजनीति को देखकर अचंभित हैं कि कांग्रेस का प्रवक्ता होते हुए भी शरद पवार का साथ कैसे दिया जा सकता है। इतना साथ तो हमारे साथ बैठे हुए माननीय उमाशंकर यादव जी ने दे पाए जितने कमाल से आपने साथ दिया है। जयराम रमेश बेचारे बड़ा असहाय और अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। बहरहाल मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास आता हूँ। प्रेम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, कितने मुग्ध हैं आप इस मौजूदा परिदृश्य से, कितना आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारा सवाल था पवार का ज्ञान, किसका नफा किसका नुकसान, चर्चा से ही उत्तर मिलता दिख रहा है। ऐसे नफे की तो आपको कभी उम्मीद नहीं रही होगी, या ऐसा नफे की उम्मीद के साथ में आप पवार जी को इतना सम्मान दिए रहते हैं? देखिए, जहां तक विपक्षी एकता की बात है, विपक्षी एकता जिस विषय को उठा रही है जेपीसी की, पहली बात तो सभा में कोई ऐसा विषय आया नहीं। विषय के लाने के लिए जो एथेंटिसिटी होनी चाहिए, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी चीज़, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी का शेयर गिरना, ये अपनी कंपनियों और उसका मामला है। कहीं सरकार के इन्वॉल्वमेंट या सरकार के फेलोअर का कोई भी जिक्र किसी भी दल के लोगों ने नहीं किया। एक चलता फिरता रिमार्क सबने मार्क पास किया है। जहां तक सारे दल सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जजों की कमेटी बनाई, और मेरे ख्याल से 6 सदस्यीय कमेटी है, और सेबी को भी उनने कहा कि जांच करे, और सेबी भी अपनी तरफ से कर रही है कि अगर कोई रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको करने का। बीजेपी का भी पक्ष बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कंपनी कहीं पर भी अपने नियम कायदों के विरुद्ध कार्य करती है तो सरकार का जो भी नियम कायदा है उसके तहत कार्रवाई हो। अब रही बात जो मुद्दे उठाए गए जिन लोगों के द्वारा, सबके अपने अपने अलग अलग राजनीतिक कारण है जी। राहुल गांधी जी की सदस्यता कोर्ट ने खत्म की, उनको ये लगता है कि पूरे कांग्रेस को लगता है एब अब्दुल्ला है जी, तो उनको अपना एक पॉलिटिकल ये था। आप पार्टी का अभी शराब वाले घोटाले में, तो केजरीवाल जी बहुत चतुराई से उन्होंने विधानसभा का दुरुपयोग किया कि विधानसभा में सारी चीजें बोल डाली, क्योंकि वहां पर उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, जो वो बोलेंगे वो छपेगा भी और उन पर कार्रवाई भी नहीं होगी। चूंकि अध्यक्ष भी उनका था, इसलिए जो चीज है नहीं उसके बारे में ला करके संकल्प का। और ये बात सही है कि जिसको 130 करोड़ जनता ने एक बार नहीं दो बार अपना समर्थन दिया है, बहुत सारी चीजों को उठा रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, उनसे भी बहुत पढ़े लिखे राजनेता में, तो केजरीवाल जो बोल रहे हैं, तो क्या केजरीवाल की पार्टी को सिर्फ IRS IPS IAS लोग वोट दें क्या? मतलब ये तो ये हो जाएगा फिर तो बहुत सारे लोगों का कहाँ कहाँ जाएगा। मुद्दा वहाँ पर है। शरद पवार जी ने जो बेसिक बात कही है वो बिल्कुल सही है कि भाई JPC से बेहतर वो है, और वो अनुभवी है और अपने अनुसार राजनीति को थोड़ा अपने अनुभव से, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, अपने अनुभव से ये बताइए ये जो बयान है शरद पवार का, ये वस्तु तो किसकी मदद के लिए है? भाजपा और मोदी जी की मदद के लिए है, गौतम अडानी की मदद के लिए है, या विपक्षियों को किस रास्ते पर चलना चाहिए इसकी दृष्टि से एक अनुभवी राजनेता की सलाह है, तो विपक्ष के भले के लिए है? थोड़ा ईमानदारी से बताएंगे, क्योंकि अभी इसकी मीमांसा करने के लिए मेरे पास श्रवण जी हैं जो बताएंगे वस्तु तक किसकी मदद के लिए, पर आपका नजरिया भी तो जान लेना, क्या हम आपको भी बड़ा विचारवान राजनीतिज्ञ मानते हैं? तो देखिए, मुझे लगता है कि शरद पवार जी जितने भी अब भाजपा की दृष्टि से हम अलग सोच रखते हुए भी, कि जितने भी अभी विपक्ष के राजनीतिक दल के नेता हैं उनमें सबसे अनुभवी हैं जी, और उन्होंने जो बयान दिया है वो विपक्ष को भी, कि भाई विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दे के साथ यदि वो जाते हैं तो
तो शायद सरकार के खिलाफ कहीं खड़े भी हो सकते हैं जी। आज मोदी जी की जो इंटीग्रिटी है, मोदी जी के जो उनकी नियत और उनकी मेहनत, उनके सामर्थ्य, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति और दल अगर आक्षेप लगाता है तो वो सीधे के सीधे वो उल्टा मुंह खाता है। केजरीवाल भी बहुत चालाकी से, आप देखो दिल्ली विधानसभा चुनाव रहता तब नहीं बोले, अब बाहर हो गए हैं तो भी अब वो अपने अपने कारणों से जी। आरजेडी, नीतीश कुमार, मतलब सब जो इंटीग्रिटी वाले हैं, अपने अपने इनकी इंटीग्रिटी पे जिसकी डाउट है वो सब जा रहे हैं। शरद पवार जी को, जिनको ये सारे दल जब वो उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, रातों रात उन्होंने किया, तो बोले वो सबसे बड़े चाणक्य हैं, तो निश्चित तौर पे उनका जो अनुभव है, मैं समझता हूँ कि विपक्ष के साथ वो खड़े भी हैं और विपक्ष के नेताओं को वो सीख भी दे रहे हैं कि तुम गलत मुद्दों पे जाओगे तो तुम जिस 24 के बारे में सोच रहे हो वहाँ तक तो पहुँचना भी दूर है और उसके पहले ही आप जनता से आउट हो जाओगे। तो कुल मिलाकर विपक्ष को सीख दे रहे हैं शरद पवार, ऐसा हमको समझा रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी। मामला दिलचस्प है, तो अब श्रवण जी के पास रुख करने का समय आ गया मेरा। श्रवण जी आपको ही बताएं, पवार अपना भला कर रहे हैं, अडानी का भला कर रहे हैं, विपक्ष का भला कर रहे हैं, भाजपा का भला कर रहे हैं, कमाल का आदमी है ना सर, एक बयान दिया हम अभी तक उलझे हुए किसका भला कर रहे हैं, पर आप तो समझ गए होंगे किस किस का भला कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका नजरिया साझा हो। शरद पवार जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ के संदर्भ में सब बोल रहे हैं, बहुत ही अनुभवी राजनेता है, क्या बोल रहा है उनका अनुभव? हिमांशु जी, मेरा थोड़ा सा, मैं भी मति भ्रम में हूँ और ये कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने तो और ज्यादा मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि कांग्रेस का प्रवक्ता भी इस तरह से बात कर सकता है। मतलब बहुत ही अद्भुत बात है कि वो क्या बात कर रहे हैं। शिवसेना के भी और एनसीपी के भी लोग परेशान होंगे कि कांग्रेस असल में क्या चाहती है। मैं तो खैर हूं ही परेशान कि मुझे क्या कहना है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है हिमांशु जी कि शरद पवार ने देश का बहुत बड़ा भला किया है जी। उन्होंने विपक्ष का बहुत बड़ा भला किया है। वो भला यूं किया है कि जो अदानी का मामला था और जो डिग्री का मामला था प्रधानमंत्री की, वो गुम होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था, उसको फिर से वो मैदान में ले आए। शरद पवार से किसी ने पूछा नहीं था कि आप डिग्री के बारे में कुछ बोलिए, और न अजीत पवार से किसी ने कहा था कि आप ईवीएम के बारे में बोलिए। शरद पवार ने क्या किया कि जनता को यह मुद्दा दे दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डिग्री का क्या होता है, डिग्री के बारे में क्यों बात उठानी चाहिए। तो ये जो, और दूसरा ये कि शरद पवार ने, देखिए जो 19 विपक्षी दल है वो तो शरद पवार की कोई बात मानने वाले हैं नहीं, ना शरद पवार को मानते हैं वो जी। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी थी ये कहकर कि सोनिया गांधी के विपक्षी मूल का मुद्दा बनाकर जी। और 2004 से 14 तक वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, जिसकी की चेयरपर्सन यूपीए की सोनिया गांधी थी। नागालैंड के अभी विधानसभा चुनाव हुए, वहां 7 लोग चुन के आए उनकी पार्टी के, उन्होंने 7 को कह दिया कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, ये मार्च एंड की बात जी। शरद पवार की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है, और यह समझना भी मुश्किल है कि वो अदानी को बचा रहे हैं कि पीएम को बचा रहे हैं। ऊपर से ये लग रहा है कि वो पीएम को बचा रहे हैं,
जब वो जेपीसी की मांग का विरोध करते हैं तो लगता है अदानी को बचा रहे हैं, जब वो डिग्री की मांग का विरोध करते हैं तो लगता है पीएम को बचा रहे हैं। मामला यह है कि 2024 के महत्वपूर्ण चुनावों के पहले पवार साहब ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है और जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसके लिए भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। देखिए, अदानी जी के साथ उनके संबंधों का ब्यौरा अगर पढ़ना हो तो उनकी आत्मकथा पढ़ लीजिए मराठी वाली जी, उसमें वो बता देंगे कि बारामती में कब अदानी गए थे, अहमदाबाद के घर में शरद पवार कितनी बार गए हैं, थर्मल पावर के क्षेत्र में अदानी को लाने का श्रेय पवार साहब को है, वो ट्रेन में कैसे सफर करते थे, कितना संघर्ष करते थे, सारा बता देंगे। तो ये जो हमारे तिवारी जी ने कहा कि अदानी जी के साथ तो उनके पुराने संबंध हैं, काफी पुराने हैं, वो तो हैं उनके पुराने संबंध, उसमें कोई दो मत नहीं है। दिक्कत क्या है कि 19 दलों की जो तक जो गठबंधन बन रहा था जी, शरद पवार चाहते तो उस 19 दलों के गठबंधन की बैठक बुलाकर उसमें बोल सकते थे कि आप लोगों को जेपीसी की मांग छोड़ देना चाहिए, मैं आपके साथ नहीं हूं। या जब वो हल्ला मचा के संसद का टाइम बर्बाद कर रहे थे तब वो कह देते कि हमारी पार्टी आपके साथ नहीं है। जब संसद का सत्र समाप्त हो गया तब वो उस चैनल पे गए जो अडानी ने खरीद लिया, उस चैनल के डायरेक्टर ने, संपादक ने नहीं, डायरेक्टर ने उनसे सवाल पूछा जेपीसी पर, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसका जवाब यहां नहीं दूंगा, मुझे जो भी कहना है अपने विपक्षी दलों से बात करके उनको कहूंगा। तात्कालिक रूप से ये लग सकता है हिमांशु जी कि उन्होंने विपक्षी एकता में बहुत बड़ा, विपक्षी एकता को बहुत बड़ा नुकसान किया है जी, वो लग भी रहा है। तो विपक्षी एकता को तो कांग्रेस से गए गुलाम नबी आजाद भी कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य भी कर रहे हैं, हेमंत बिस्वास शर्मा भी कर रहे हैं, तो शरद पवार के करने से भी कोई बहुत ज्यादा राहुल गांधी की मुहिम पर या उनके आंदोलन पर या उनकी मांग पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और जयराम रमेश भी बोल चुके हैं कि जेपीसी की मांग उनकी बनी रहेगी, क्योंकि जेपीसी की मांग इसलिए बनी रहेगी कि जेपीसी को यह अधिकार है कि वो चाहे जिसको बुला सके, चाहे जिससे पूछताछ कर सके, चाहे जहां से वो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सके और सरकार से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकती है जी। तो जेपीसी की मांग तो खैर संसदीय प्रजातंत्र में सबसे बड़ी मांग है और वो उस पर कायम रहेगी। अब शरद पवार ने जो कहा उसका क्या फर्क पड़ेगा जी, मेरा ऐसा मानना है कि शरद पवार के कहे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरद पवार के कहे का सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जैसे भीष्म पितामह थे वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे जी, और आखिर में जब हार गए कौरव और उनको मारने का वक्त आया तो वो उन्होंने ही मंत्र बताया कि मुझे आप कैसे मार सकते हैं जी। अर्जुन जब उनके पास गए वो पूछा कि महाराज बताओ कि आपको मृत्यु कैसे प्राप्त होगी। तो राजनीति के भीष्म पितामह जो हैं वो शरद पवार हैं, वो लड़ाई कौरवों की तरफ से लड़ते हैं और उनको मारने का जो मंत्र है वो पांडवों को बताते हैं वो, इसलिए शरद पवार की बात पर कोई बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री, आपने तो कमाल ही कर दिया श्रवण जी, एक झटके में आज इस कार्यक्रम में आपने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को जो पांडव के तौर पर संज्ञा दी है, मतलब पूरा देश अचंभित रह गया श्रवण जी, आपकी इतने दिनों से मुखर तौर पर आलोचना के स्वर और आज दी गई उपमा, बड़ा विरोधाभास हो गया, पवार ने इतना हिला दिया,
पवार ने इतना परेशान कर दिया, हम जानना चाह रहे थे कितना नफा कितना नुकसान। तो नफा तो सीधे तौर पर भाजपा के हिस्से में आ रहा है, श्रवण जी बता रहे हैं कौरव में ये कांग्रेस और 19 विपक्षी दल, पांडव सामने है, क्या कहते हैं श्रवण जी? मैंने कहा है कि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे जी, और उनको कैसे मारा जाए ये उन्होंने पांडवों को बताया। मैंने ये नहीं कहा है कि वो कौरवों की तरफ से, वो पांडवों के, ये आप बता रहे हैं क्या? तो वो ये जो विपक्षी पांडव हैं, ये शरद पवार का फायदा पूरा लेंगे। ये क्या है, जो महाभारत हुई थी श्रवण जी वो हुई थी द्वापर में, ये कलयुग का दौर है, क्या आप ऐसा महसूस तो नहीं कर रहे हैं कि भीष्म पितामह उस दौर में थोड़े निर्लिप्त किस्म के व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपनी मृत्यु को संधारण करने में संकोच नहीं किया? ये आधुनिक भीष्म पितामह है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होना चाहते। ऐसा तो नहीं कि बीच महाभारत में दल परिवर्तन का मन आ गया हो कि कौरवों से बहुत लड़ लिए अब पांडवों की ओर से लड़ लेते हैं, तो कुल मिलाकर 2024 जब यूपीए के साथ रह लिए, उससे पहले एनडीए के साथ रह लिए, तो फिर एक बार एनडीए का हो लिया जाए, क्या कहते हैं श्रवण जी? ऐसी कोई इच्छा तो नहीं जाग गई पवार जी की? शरद पवार की प्रतिष्ठा यह है जी कि वो सभी के साथ रहते हैं और किसी के साथ नहीं रहते हैं जी, ऐसा है। मतलब वो आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनको देखें जी, तो आप पाएंगे कि वो किस तरह से बाजियां पलटते हैं और बाजियां बनाते हैं, कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भी उनके ही बनाया हुआ है जी, और उसको तोड़ने का काम भी वही करेंगे। इसलिए कोई उनके काम में कोई, मतलब आप उनके उनके किए के प्रति आप कोई प्रामाणिकता से नहीं कह सकते कि वो क्या करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं। तो श्रवण जी ने कुल मिलाकर बता दिया कि हाल फिलहाल पवार ने जो कुछ भी किया है उससे देश का भला हो जाए, विपक्ष एकजुट हो जाए, अलग बात है, पर पवार की मंशा कुल मिलाकर इस समय पर सामने वाले पक्ष को लाभ पहुंचाने की है। किशोर जी कुछ ऐतराज है आपको? अपनी पार्टी के नहीं बल्कि देश के पुरोधा राजनीतिज्ञ के संदर्भ में इस टिप्पणी को लेकर, उनकी अवसरवादिता को लेकर, उनकी इस प्रकार की छलावे की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहते हैं किशोर जी? इत्तेफाक रखते हैं आप श्रवण जी के आकलन के साथ? नहीं, श्रवण जी बहुत सीनियर है। श्रवण जी ने एक बात अच्छी बोली कि अडानी का मतलब थोड़ा बैकफुट पे जाने में था, अभी अभी संसद जो गड़बड़ हो रही थी तो वो संसद भी अभी वो चली गई, तो फिर से अडानी पे सब लोग बात करने लगे और निखर के आएगी ना पार्टियां। कांग्रेस निखर के आ गई, शिवसेना निखर के आ गई, और आ, आ, आप निखर के आ गई, टीएमसी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। दूसरी बात है, सीएम कैसा है, सुचिता वाले है, नीति वाले है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वाले है, लेकिन भाजपा के सेकंड टर्म में अडानी को बहुत कुछ दिया गया और अडानी जी ने बहुत कुछ चूना लगाया और अडानी जी के वजह से भ्रष्टाचार हुआ, ये मैसेज तो जा रहा है। देखो 2G, आप 2G ले लो या बोफोर्स ले लो जी, ये कोई देश के बड़े मसले नहीं थे, उसमें कुछ निकला भी नहीं था, लेकिन सरकारें बदल गई थी, आप समझ लो सरकार की छवि और सरकार की किरकिरी ज्यादा हो रही है। अरे किशोर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, हमारे यहाँ कहावत पड़ा जाती है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कुछ नहीं निकला आप ही बता रहे हो, 2 बार चढ़ गई तो आप मान लो 3री बार भी चढ़ जाएगी, तो फिर जाके इस कहावत का क्या होगा? कहावत बदल जाएगी, काट की हांडी बार बार चढ़ती है, नए बच्चों को हम यही पढ़ाएंगे, देखो 3-3 बार सरकार बदल गई जिसमें कुछ नहीं था, ऐसे कहना चाहते हो? नहीं, ये देखो मैं अभी बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी 10 साल के बाद जब लोगों ने बदला तो मनमोहन जी का सारा परफॉर्मेंस देखा गया था, वैसे ही मोदी जी का भी सारा परफॉर्मेंस देखा जाएगा। मोदी जी ने बड़े बड़े रोजी पिक्चर क्रिएट किए, छाती ठोक ठोक के बोलते हैं, लेकिन वैसा एक्चुअली पोजीशन नहीं है। तो मोदी जी को इनकम्पिटेंट, उनकी तो इनको नाकामी का तो उनको बड़ा बैठेगा ही फटका, लेकिन मुद्दा तो विपक्ष को एक आने का है, जो आएंगे वो आएंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, लेकिन लड़ना है तो हर मुद्दे पे लड़ा जाए। डिग्री क्यों नहीं बताएंगे प्राइम मिनिस्टर? हाँ, प्राइम मिनिस्टर डिग्री भी फर्जी बताते, अनपढ़ है तो अनपढ़ कबूल नहीं करते। हाँ, प्रेम प्रकाश जी कैसा है, ये कैसा है, ऐसा थोड़ी होता, अटल जी का जमाना होता तो इस पर ही राजीनामा दे देते, इस पर ही राजीनामा देते थे कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई डिग्री नहीं होता है,
या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री नहीं होता है, मैंने गलती की है, लेकिन यहाँ तो बता ही नहीं रहे। अरे विपक्ष मांग क्या रहा है कि कहां से पास हुए, आपके साथ कौन पढ़ा, ये बता देना चाहिए ना। ऐसी बात कर रहे किशोर जी, आपकी इस देश की न्यायिक व्यवस्था पे कोई आस्था नहीं है क्या? हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया मांग करने के संदर्भ में, 25,000 रुपए का फटका बैठ गया माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री को। आप भी अपने पे लगवाना चाहते हो क्या? अभी जुर्माना लगा ना 25,000 किशोर जी। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, एक सवाल और लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। आपने बताया कि देखो मुद्दे को सामने ला दिया, तो आप मान रहे हो कि पवार जी गए तो गौतम अडानी की मदद करने थे, करा नुकसान दिए, ऐसे दोस्त तो दुश्मन बोले, क्योंकि आप ही बता रहे हो कि मुद्दा कुछ पीछे हट गया था, श्रवण जी भी बोल रहे थे, मुद्दा मुखर होकर सामने आ गया फिर से, क्या बोलते हैं? बहुत नुकसान कर दिया पवार जी ने अडानी का। अरे नहीं, गौतम अडानी तो सभी पार्टियों को मदद करते थे, सत्य तो ये है गौतम अडानी बीजेपी से ज्यादा नजदीक जाने में कहीं गौतम अडानी ने कबूल कर लिया कि साला मेरी तो संपत्ति 80% चले गई, तो गौतम अडानी अपने सर्वावे के लिए कर रहे होगे तो कर रहे होगे, बीजेपी को तो वो साथ छोड़ देंगे, पांडे जी आपके साथ अब नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र सरकार गिराने को ही काम आए। तो कुल मिलाकर किशोर जी तो इस नतीजे के साथ में है। मैं को जाना तो है उमाशंकर यादव जी के पास, लेकिन जेपीसी को लेकर जो कुछ टिप्पणियां की हैं शरद पवार ने, तो हमारे साथ विधान पुरुष की संज्ञा वाले प्रेम प्रकाश पांडे जी बैठे हैं, 5 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो पांडे जी आपसे जानना चाहते हैं, पवार जी बता रहे हैं जेपीसी का कोई मतलब नहीं है, सत्तारूढ़ दल का बहुमत रहता है, 21 सदस्य होने, 15 सत्तारूढ़ दल के होने, 6 लोग क्या कर लेंगे? तो वाकई ऐसी बेफिजूल की होती है जेपीसी, सत्तारूढ़ दल के हस्तक्षेप से ही सब कुछ होता है, और ये 19 विपक्षी दल ना समझ है, इनको अकल ही नहीं है जो ऐसी जेपीसी को लेकर इतना बवाल काटे हुए हैं। क्या कहते हैं पांडे जी, पवार जी के साथ हैं आप? नहीं नहीं, जेपीसी का जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात है तो जेपीसी की अपनी अलग संसदीय परंपरा में, संसदीय प्रक्रिया में सबसे उच्चतम कोई भी अगर जांच कमेटी है तो वो जेपीसी है, किसी भी सदन की सबसे ऊंची समिति है, और उसको सर्वाधिकार प्राप्त है, उसको सेमी जुडिशियरी पावर्स भी हैं, तो इसलिए उस कमेटी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। जहां तक वो राजनीतिक दलों के मतों के विभाजन की बात है, तो जेपीसी का जो गठन होता है वह हर दल का जितना समानुपातिक रूप से सदन में दल की सदस्यता रहती है उसके अनुसार जो है उसका गठन होता है। ये उन्होंने सही कहा है कि सदस्यों की जो संख्या रहती है वो उसमें सदन में सदस्यों की सदस्य संख्या के समानुपात में रहती है, लेकिन जेपीसी के अपने इम्पोर्टेंस की अलग बात है। लेकिन मैंने जो प्रश्न उठाया कि जेपीसी बनाने के लिए, जैसे अभी इन लोग बता रहे हैं कि वो फोर्स 2G, उस समय डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलवर्स और गवर्नमेंट के फेलवर्स के सदन में कागज प्रस्तुत हुए थे, बीपी सिंह स्वयं राजीव गांधी जी के सरकार के वित्त मंत्री थे, वो स्वयं उन्होंने वहां पर उस मांग को उठाया और उन्होंने सदन में कहा था। ऐसी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं हुई है, यहाँ तक आप देखिए कि जब बहस हुआ राज्यसभा में और लोकसभा में, और जब किसी पेपर को एथेंटिस करने की बात कही गई तो सारे सदस्य उस पर भड़क गए। तो अब कांग्रेस हो या जितने भी विपक्षी दल हैं, इनका असल में वैचारिक रूप से और देश की राजनीतिक समझ के रूप में कहीं नहीं है। सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, और सब चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ा है, और उसमें एक कहा जाए तो अधिकतर दल के नेता जो सब किसी न किसी, अगर देखेंगे तो एक पारिवारिक पार्टी रहकर हो गई है, तो ये सब अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, और ये एक कभी नहीं हो सकते। मैंने पिछली बार भी बहस हुआ था, तो छोटी सी बातें आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे हम जो दूसरे दलों में हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो या तो लोग लड़ रहे हैं या आपके साथ मिल रहे हैं नारायण राणे, बेहतर है क्या लड़ेंगे, आपके पास ही हो लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या झगड़ा करना है, आप ही के पास हो लेते हैं। पश्चिम बंगाल के तो नेताओं की एक लंबी फेरिस्त है जो आपके पास में भाजपा शरणम गच्छामी हो गए। पर आपसे जानने का जो विषय है वो ये है कि आप ये बता रहे हैं कि बोवोर्स के मसले में ऐसे पेपर थे, 2G के संदर्भ में भी कुछ कागज़ थे,
यहां पर मसला यह है कि एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट का प्रभाव आम भारतीय के निवेश पर पड़ता है, आम भारतीय की जेब कट जाती है, बड़े पैमाने पर आम निवेशक का नुकसान होता है। तो जानना ये चाहते हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिस सदन को आपने सुशोभित किया इतने वर्षों तक, उस सदन की जिम्मेदारी है किसके संदर्भ में? आम जनता के संदर्भ में है, आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए है, या आम जनता के हितों की रक्षा छोड़कर सदन कागज कागज चिल्लाएगा और अपनी सहूलियत के अनुसार फैसला लेगा? क्या आम आदमी के हितों की रक्षा के संदर्भ में सवाल उठ खड़ा हुआ? बड़े पैमाने पर निवेशकों का कम समय में अभूतपूर्व किस्म का नुकसान हुआ, क्या इसके मद्देनजर सर्वोच्च, जिस संस्था को आप बता रहे, सर्वोच्च समिति है, उसका गठन देश में यह भरोसा पैदा नहीं करता कि इस सरकार की पारदर्शिता के प्रति आस्था है, इस सरकार का दूध से का दूध और पानी का पानी करने के प्रति भरोसा है, इस सरकार की मंशा लोगों के सामने सच लाने की है? जिस समिति में आपका ऐसा जबरदस्त बहुमत रहना है, उस समिति का गठन करने के लिए भी आप तैयार नहीं हुए, क्यों? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आखिर सदन की कमेटी बनाना मतलब कोई बच्चों का खेल वाला मामला नहीं है ना। अच्छा। एक विदेशी कंपनी ने कोई रिपोर्ट जारी किया। अब जहां तक आप कंपनियों की बात कर रहे हैं, कंपनियां जो शेयर मार्केट में जा रही हैं, शेयर्स पब्लिक खरीदती है, कंपनियों की अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पे उनके शेयर्स बढ़ते और घटते हैं। निश्चित तौर पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उससे लोगों में जो आशंका हुई, उससे उसके शेयर्स गिरे। लेकिन शेयर्स गिरना और चढ़ने पर किसी सरकार का नियंत्रण क्या है, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि अगर कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण, सरकार के नियंत्रण के कारण, सरकार के किसी एक्ट के कारण अगर कोई ऐसी चीज हुई है, तो उस पर जो है आप अगर कोई तथ्यात्मक बात रखेंगे तब जो है सदन की कमेटी आती है। आप ऐसे रिमार्केबल बाहर में कुछ भी बात करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, तो ये इस पर नहीं आते। देखो ना, बिल्कुल ठीक है, पहले शेयर था, शेयर तो गिरता है उठ चढ़ता है, गिर चढ़ गया, तो इसके लिए जेपीसी बना दें क्या? प्रेम प्रकाश जी की दलील है, इसका उत्तर मुझे श्रवण जी से मिलेगा, श्रवण जी के पास जब आऊंगा। अभी एक संक्षिप्त टिप्पणी लेनी है मुझे उमाशंकर यादव जी। उमाशंकर जी, अपना भविष्य कितना उज्ज्वल देख रहे हैं? साफ तौर पर चर्चा में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टी के शिरोमणि, देश के सबसे अनुभवी राजनेता, मौजूदा सरकार, देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दोनों की भरपूर मदद करने के लिए तत्पर हैं। आपको अपना भविष्य कितना उज्जवल दिखाई दे रहा है? 2024 में उम्मीद करें कि एनसीपी एनडीए का हिस्सा बना हुआ दिखाई देगी, अटल के दौर की एनसीपी एक बार फिर भाजपा के साथ हमकदम होगी, उम्मीद करें कि आपके नेताजी 2024 में मोदी जी के साथ सभाओं में दिखाई देंगे, कितना उल्लास है आपको भविष्य को लेकर, कितना उत्साह है? भाई हिमांशु जी, अभी हमने आपको बताया कि मेरे नेता को नेता से गुरेज नहीं, नीति से विरोध है जी। दूसरी बात, हम पवार साहब ने जो कहा जेपीसी या डिग्री, ये सब मुद्दा तो चलना चाहिए साथ में, महंगाई और बेमौसम की जो बारिश हुई जी, इस पर भी सदन में चर्चा ही होनी चाहिए। और जब 400 रुपया सिलेंडर गैस सिलेंडर था, तब भारतीय जनता पार्टी के जो है चूड़ियां तोड़ी जाती थी, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जब 400 रुपया सिलेंडर था तब बड़ी महंगाई। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात श्रवण जी ने उठाई थी, उसका एक उत्तर दे दीजिए, फिर जाके मैं माननीय त्रिवेदी जी के पास एक बार फिर जाना चाहता हूं। ये आपके नेता ने तब बिल्कुल नहीं बोला जब संसद चल रही थी, जब संसद का सत्र खत्म हो गया तब आपके नेता बोल रहे हैं ये जेपीसी की मांग फिजूल थी, थोड़ा इसमें बताएंगे? संसद चलते समय पवार साहब के मुंह से क्यों नहीं निकला ये ज्ञान, अचानक कैसे प्राप्त हुआ? मेरी बात सुनिए, नेता हमारे नेता महान नेता जो पवार साहब हैं, वो 24 के 24 घंटे केवल राजनीति में ही मिले रहते हैं, राजनीतिक ज्ञान को देते और लेते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमने महंगाई के मुद्दे पर जो मैं बोल रहा था उसको आप गौर से सुनिए, आज मेरे देश का नौजवान कहाँ खड़ा है, रोड पे खड़ा है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया गया वहां पे जी। और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कमी थी कि कभी भी हमेशा विपक्ष जब स्थगित कराता था सदन को
तब सदन स्थगित होता था। आज के देश की राजनीति में पूर्ण बहुमत की सरकार स्वयं स्थगित करती है सदन को। बात तो ठीक है यादव जी, लेकिन पवार साहब ने ऐसा बिल्कुल भी बोला नहीं इंटरव्यू में। पवार जी ने ऐसा बयान भी नहीं दिया कि सत्ता पक्ष ने जो है सदन नहीं चलने दिया, इस पर उनकी टिप्पणी नहीं आई। उनकी टिप्पणी केवल विपक्ष के एक्ट के संदर्भ में आई। विचार कीजिएगा आपका नेता ऐसा क्यों कर रहा है। पर मैं आर के त्रिवेदी जी के पास आना चाहता हूं। त्रिवेदी जी, वापस आपके से जानना चाहता हूं, पवार साहब के संदर्भ में हमें लग रहा है कि उनके कदम कहीं भाजपा की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, आपके कदम एनसीपी की ओर तो नहीं जा रहे, क्योंकि श्रवणकर जी जैसा अनुभवी पत्रकार आज भ्रमित हो गया। नहीं, पहली चीज तो मैं आपको हिमांशु जी ये स्पष्ट करूं कि मैंने अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पद पर नहीं जी, और मैं वापस सक्रिय पत्रकारिता में लौट आया हूं जी। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, शरद पवार जी का ऐसा है कि शरद पवार जी एक लड़ने वाले नेता हैं, राजनीतिक अनुभवी हैं, उनके अनुभव के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि देश के अंदर जैसे आज ये भाजपा जी के जो लोग कह रहे हैं, भाई सिलेंडर 450 का 1100 का हुआ, उससे देश के करोड़ों लोग खरीद रहे हैं, लाखों लोग खरीद रहे हैं, क्या उनको पता नहीं महंगाई है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि LIC का जो प्रीमियम होता है उसमें कभी GST नहीं लगी थी जी, अब उसमें GST ली जा रही है, क्या ये लोगों को पता नहीं है? LIC का पैसा किसी एक उद्योगपति को दिया जा रहा है, एयरपोर्ट किसी एक उद्योगपति को दिए जा रहे हैं, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, खास करके राहुल गांधी ने जो सदन में पूछा था, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका कोई उत्तर दिया है कि मेरे अडानी से संबंध है कि नहीं है? संसद में हो या बाहर हो या मन की बात में हो। दूसरी चीज यह है कि जैसे कौरव पांडवों की बात आई यहां पर कि भाई कौरव हैं पांडव हैं, तो चलिए पांडव लोग तो बड़े धार्मिक थे और मोदी जी भी राम राज लाने वाले हैं, जो राम का भी मंदिर उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनकी राम राज की दिशा में वो चल रहे हैं। लेकिन राम राज में भी एक धोबी ने सीता जी के ऊपर थोड़ा सा छीटा कसी की थी, तो राम जी ने जंगल में निकाल दिया। सवाल का जवाब तक नहीं आ रहा है। तो आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप उस राम राज पे जाना चाहते हैं, तो आप ये बताना चाहते हैं कि राम ने एकदम ठीक किया था, एक धोबी ने टिप्पणी की और राम जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, तो त्रिवेदी जी आप इसी विचार के साथ ऐसे ही होना चाहिए, अगर कोई आपकी पत्नी के संदर्भ में एक टिप्पणी कर दे तो उसे घर के बाहर दिखा देना चाहिए, इसी विचार के साथ है आप? हिमांशु जी आप बात को देखिए, ये हमारे मिथक है कि भाई हमारी छवि पे कोई चर्चा आई, हमारे ऊपर कोई उंगली उठाया, अगर आप मोदी जी के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछे क्यों नहीं आप जेपीसी नियुक्त कर देते, आप देश के ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं आप जवाब दे देते कि अडानी के मेरे ये संबंध है, देश की जनता को आप क्यों नहीं बताते? अरे अभी तो आप जेपीसी के संदर्भ में पिछले चरण में जो कह रहे थे, पवार जी एकदम ठीक कह रहे हैं, इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, और अभी आप बोल रहे हैं कि जेपीसी क्यों नहीं गठित कर देते। जिस बात को त्रिवेदी जी मानने के लिए तैयार नहीं, जिस बात को बेफिजूल का बता रहे हैं शरद पवार, उसके संदर्भ में आप मोदी जी से कह रहे हैं, ऐसी बेफिजूल की बात मान क्यों नहीं लेते, बताइए ना। आप स्वयं ही नहीं तय कर पा रहे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपने हमसे पहली बार जो सवाल पूछा था हमने उसका उत्तर दिया। आप भी पार्लियामेंट कवर करते रहे होंगे या देखते रहे होंगे, आप पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई भी समझते हैं। जैसे शरद पवार ने कहा कि जेपीसी में उनके लोग ज्यादा होंगे इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और बहुत पिछली जो जेपीसी गठित हुई है उनके जो कुछ निष्कर्ष हैं वो आप बताइए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की SIT गठित होती है और उसमें SIT उसकी जांच करती है, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा ये व्यक्तिगत मानना है जी, मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट जेपीसी से मिलेंगे, उसमें बेहतर रिजल्ट जेपी से मिलेंगे। वापस आ गए त्रिवेदी साहब अपनी बात पे, हालांकि उनका सवाल था, बताइए कैसी बात है, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं और मांग मान नहीं रहे। पर मैं श्रवण जी वापस आपके पास आना चाहता हूं और जानना ये चाहता हूं कि एक लड़ाई 2024 के संदर्भ में चल रही है, जमावट हो रही है, एक तरफ नरेंद्र मोदी की विशालकाय छवि है और उसके पीछे खड़ी हुई भाजपा है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों की जमावट है जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार और इस नेता के चलते देश रसातल की ओर जा रहा है। ऐसे में पवार के ये कदम, क्या आपको नहीं लगता है, आपने भले ही कह दिया विपक्ष की मदद कर दी, देश का बड़ा भला कर दिया, वस्तुतः विपक्षी एकता को नुकसान करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ा दिए, अब उनके कदम विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए?
हिमांशु जी, देखिए मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका कार्यक्रम कई लाखों लोग देखते हैं जी, और उस पर चर्चा करते हैं। ये जो 2024 का साल है, ये भारत के इतिहास के लिए और दुनिया के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल है जी। और इस 2024 के साल में अगर प्रेम प्रकाश पांडे जी के नेता के रथ को नहीं रोका गया तो ये देश वास्तव में रसातल में चला जाएगा। और ये सारे विपक्षी दल के लोग भी जानते हैं और भाजपा के नेता भी जानते हैं, मतलब वो बेचारे बोलते नहीं है पर वो जानते हैं मन में कि देश किस तरफ जा रहा है। बोफोर्स का मामला मैं इसलिए कह रहा हूं जी। तो हिमांशु जी, मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था जी। बोफोर्स का मामला स्वीडन में एक्सपोज हुआ था, स्वीडिश अखबारों ने किया था, अल्फ पॉलमेक की संलिप्तता उसमें पाई गई थी, हिंदू की चित्रा सुब्रमण्यम उसको कवर कर रही थी। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के उस समय के चीजों को देखें और रिपोर्टिंग को देखें तो आप पाएंगे कि भारत में भारत की पत्रकारिता ने कुछ नहीं किया था। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो एक प्रामाणिक डॉक्यूमेंट है। अगर ये उसको अभी उसका खंडन अभी अडानी ने भी नहीं किया है कि ये झूठी है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पर अगर वो कह देते कि हमने, हमारे वित्त मंत्रालय ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने जांच करके पाया कि ये पूरी रिपोर्ट फर्जी है या तथ्यहीन है, प्रधानमंत्री तो एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है उसके बारे में। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के इतिहास के बाद ये पहली बार है कि सत्तारूढ़ दल के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। पवार साहब कह रहे हैं जेपीसी के खिलाफ कि उसमें सत्तारूढ़ दल के सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी कह रहे हैं होते हैं ना। जितनी जेपीसी अभी तक बनी हैं वो तमाम जेपीसी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की मांग पे बनी है, प्रमुख विपक्षी दल की मांग पर बनी है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने या पवार ने या इन तमाम लोगों ने कभी कोई तर्क नहीं दिया। पवार साहब खुद यूपीए की सरकार में थे जब जेपीसी बनी है, तब पवार साहब ने इसका विरोध नहीं किया है, उन्होंने मंत्रिमंडल में होते हुए कि हम जेपीसी को नहीं बनने देंगे। आप बताइए ना कि कितनी जेपीसी बनी है जब पवार खुद केंद्र में 10 साल तक मंत्री थे जी। तो ये जो पूरा का पूरा वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है, देश को गुमराह करने के लिए खड़ा किया जा रहा है। दूसरी बात, आखिरी बात, चूंकि टाइम नहीं है आपके पास जी, प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को बता क्यों नहीं देते हैं जी? वो जो डिग्रियां बताई जा रही हैं उसके फॉन्ट, जब प्रधानमंत्री ने बीए एमए किया तब चलते नहीं थे, वो सर्टिफिकेट जिस कंप्यूटर पे बने उस समय कंप्यूटर नहीं थे उस तरह के, वो जो सर्टिफिकेट है उसमें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग्स गलत लिखी हुई है, उसमें जिस आदमी के सिग्नेचर हैं उस आदमी के खिलाफ गुजरात में क्या कार्रवाई हुई है ये पब्लिक डोमेन में है। आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री की डिग्री का इतना बड़ा गंभीर सवाल है, दो दो लोग इस समय, एक शायद भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या से और एक आम आदमी पार्टी का डिग्री के मामले को लेकर सजा भुगत रहा, अगर मैं सही हूं तो, जेल में है, तो आप जिस प्रजातांत्रिक देश की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप डिग्री से, डिग्री दिखाने से बच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका बचाव कर रहे हैं कि डिग्री की क्या जरूरत है। अगर डिग्रियों की मांग की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आधे लोगों की हो सकता है डिग्री फर्जी निकले। तो ये जो डरे हुए लोग हैं इनके साथ दिक्कत ये है कि ये इस देश को चलने नहीं देना चाहते हैं हिमांशु जी। ये अगर जेपीसी की मांग मंजूर कर लें और डिग्री दिखा दें तो विपक्ष का पूरा अभियान पंक्चर हो जाए, अभी राहुल गांधी की पूरी मांग पंक्चर हो जाए।
क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है श्रवण जी, बार बार सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप प्रजातंत्र के प्रति भरोसा रखते हैं तो फिर जाके आप ये करते क्यों नहीं है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्यों नहीं करते हैं, यहाँ सवाल नहीं हो रहा। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जब उठाए जा रहे हैं तब पवार जैसा मजा हुआ राजनीतिज्ञ, पवार जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ इन सवालों को खारिज क्यों कर दे रहा है? क्या ये साफ तौर पर नहीं दिखता है कि पवार एक नई राह पर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो नई राह उन्हें भाजपा के नजदीक और बाकी विपक्ष के खिलाफ ले जाती हुई दिख रही है। देखें पवार सही समय पर अपने पत्ते किस तरीके से खोलेंगे, पर अभी जो झलक दिखाई है वो साफ दिखाती है कि पवार ने अब विपक्ष से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर पवार साहब को समर्पित है। पवार साहब के ध्यान में रखते हुए हम ये शेर कहते हैं कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने कमाल की बात कही थी। तो अब विपक्ष के ऊपर है, पवार साहब को अपने साथ बहा ले, नहीं तो कोई और उन्हें अपने साथ बहा ले जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए, सलाम।